नमस्ते, मैं हूं देवम और आप देख रहे हैं वंडर ईस्ट अनप्लग्ड। आज हम जिस शख्सियत से मिलने जा रहे हैं वो कथक की दुनिया का बेशकीमती सितारा है, एक बेहतरीन कोरियोग्राफर है, कदम सेंटर फॉर डांस की संस्थापक है। इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। आज हम मिलने जा रहे हैं श्रीमती कुमुदिनी लाखिया जी से। नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ तो मैम, आपने कौन सी उम्र में नृत्य सीखना शुरू किया था और वो क्या चीज थी जिसने आपको प्रेरित किया नृत्य के प्रति? नृत्य सीखने तो बचपन से ही सीखा है, जैसे कि डांस क्लास में भेज देते हैं बच्चों को, तो इस तरह से मैं डांस क्लास में जाती थी, तो वो तो कंटिन्यूस रहा। और प्रेरित तो किसी ने नहीं किया, वो माँ बाप भेजते थे इसलिए हम जाते थे। अच्छा। बचपन में तो ऐसे ही होता है ना। हाँ। तो बचपन में पता नहीं चलता है आपको क्या करने का है, कहाँ जाना, लेकिन वो शुरुआत रही। और मैंने स्कूल और कॉलेज किया तब तक मैं डांस क्लास में जाती रही और डांस सीखती रही अच्छे अच्छे गुरुओं के पास। तो ग्रेजुएशन के बाद फिर, क्योंकि मैंने है ना एग्रीकल्चर किया और उस वक्त औरतों के लिए एग्रीकल्चर में कोई वो फ्यूचर नहीं था। फिर डांस में काफ़ी सीखा था, तो मुझे लंदन में राम गोपाल करके एक डांसर थे बहुत बड़े, आपने शायद नाम नहीं सुना होगा पहले, राम गोपाल, तो उनकी कंपनी थी, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया तो मैं गई और उनके ग्रुप में 18 साल की उम्र में मैंने उनका ग्रुप ज्वाइन किया एज अ जूनियर डांसर उनके ग्रुप में। और 18 साल से मैं डांस में हूँ। अच्छा। तो कितना समय होगा मुझे डांस के प्रोफेशन में? बहुत समय हो गया। 84 इयर्स। 84 इयर्स इन डांस। ओके। यस। और कभी फिर छोड़ा, फिर हमेशा डांस ही डांस। और पूरे दुनिया में किया है, बहुत से कंट्रीज में शोस उनके ग्रुप में जाते थे। फिर बाद में जब इंडिया है तब मुझे जरा अच्छी तरह से सीखना था, तो मैं दिल्ली में शंभू महाराज जी, जो बहुत बड़े कथक गुणी थे गुरु जी, उनके पास मैंने डांस सीखा कथक। और उसके बाद भारतीय कला केंद्र में बिरजू महाराज के साथ वगैरह काफ़ी प्रोग्राम किए। हम लोग बाहर भी गए, रशिया गए, अमेरिका गए, स्वीडन गए, जर्मनी गए, फ्रांस गए, सब जगह गए और काफ़ी प्रोफेशन रहा डांस का। बहुत बढ़िया आपकी जर्नी रही है। और बाद में जब मैं अहमदाबाद आई तब मैंने देखिए 1960 में मैं अहमदाबाद आई। अच्छा। 60 तो यहाँ अहमदाबाद में कुछ था ही नहीं, सिर्फ मृणालिनी की बहन ने भरतनाट्यम खोला था, तो सब लोग भरतनाट्यम सीखने जाते थे, उनको पता नहीं था कि कब तक भी कुछ होता है या है या, तो सब लोग जाते थे, डांस क्लास है इसलिए जाते थे। तो मैंने सोचा यहाँ कथक भी होना चाहिए ना, तो मैंने बिरजू महाराज को बुला के हमने काफ़ी यहाँ प्रोग्राम्स किए और उन्हीं लोगों को बुलाया, राइटर्स हैं आपके जैसे थिएटर के लोग, और फिर कथक का प्रचार होने लगा यहाँ। और आज तो लगभग अहमदाबाद में 500 स्कूल हो गए छोटे मोटे कथक के, सब लोग कथक ही सीख रहे हैं आज। स्टार्टिंग मतलब आपसे? हाँ जी बिल्कुल। अहमदाबाद में कुछ नहीं था, यानी कथक क्या चीज है, लोगों ने पहले जब लड़कियां आती थी ना तो उनकी माँ बोल, अरे ये तो वो लखनऊ के वो गाने वाले का डांस है, ऐसे कहते थे। ओके। अभी मैम एक क्वेश्चन था, आप कथक में कई घराने होते हैं और क्या आप उनके, आप हमें उनके बारे में थोड़ा कुछ जानकारी दे सकते हैं? देखिए कथक में एक तो जयपुर घराना है, लखनऊ घराना है, बनारस घराना है, लेकिन ऐसा है कि
में पखावज के साथ करते थे। और लखनऊ जो है वो वाजिद अली शाह के कोर्ट में है, उनको जो अच्छा लगता था ठुमरी है, दादरा है, इसके ऊपर डांस ज़्यादा होता था। लेकिन आज ऐसा हो गया है कि आपको नहीं पता चलेगा कि ये कथक जयपुर में सीखा है या लखनऊ, आज पूरा उसका मिश्रण हो गया है। लेकिन अच्छी बात है, एक दूसरे से सीखना चाहिए। और मैम आप कौन से घराने से ताल्लुक करते हैं? मैं आप कौन से घराने से ताल्लुक करते हैं? मैंने सब घराने से सीखा है। अच्छा, जयपुर से भी सीखा है गुरु सुंदर प्रसाद जी से, और लखनऊ से भी सीखा है शंभू महाराज जी से, और बनारस से भी सीखा है। अच्छा। सब घराने से, क्योंकि हर एक घराने में अच्छी चीज होती है। तो एक पूरा कथक मेन तो कथक है ना, घराना तो एक एड्रेस है। और आपने कथक को ही क्यों चुना, क्या इसके पीछे कुछ खास वजह थी आपकी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि कथक के साथ जुड़ी भाषा हिंदी है, है ना। और अगर भरतनाट्यम करना है तो आपको तमिल तेलुगु ये सब सीखना पड़ेगा, क्योंकि उनके सब गीत वगैरह इसी में होते हैं, तमिल है मलयालम में, तो ये सब भाषा सीखने पर, क्योंकि भाषा का बहुत प्रभाव होता है डांस में। और कथक में हिंदी है तो नेचुरली वो हम लोग काफी आसानी से समझते हैं। इसलिए कथक ही आपने चुना? हाँ कथक, इसलिए मैंने कथक चुना। और कथक है ना बड़ा फास्ट डांस है, ये नहीं कि एक जगह बैठ के करना, इधर मूविंग है। हाँ, बहुत मूविंग है, मूविंग है, सर्कल्स काफी सर्कल है ये है। और मैम आपके कदम के साथ की यात्रा के बारे में कुछ बताएंगे तो? हाँ जी, कदम मैंने शुरू किया 1964 में। 64 में मैं 60 में यहाँ आई। अच्छा। पहले मैं बॉम्बे रहती थी, 1960 जब ये बाइफर्केशन हुआ ना गुजरात और ये, हाँ हाँ, तब गुजरात स्टेट बना। हाँ स्टेट बना। हाँ, पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी था। हाँ, बॉम्बे प्रोविंस। तब मैं यहाँ आई तो यहाँ कुछ था ही नहीं, तो मैंने सोचा मैं क्लास शुरू करूँ, तो मैंने क्लास शुरू किया यहाँ पर, और 4 साल तक चलता रहा छोटा छोटा मोटा क्लास, कभी 3 लोग आते थे कभी 2 आते थे। और फिर 68 में काफी स्टूडेंट्स हो गए थे, तो मैंने सोचा अब इसको नाम देना चाहिए। 68 में जाके आपने नाम दिया? हाँ, 64 में शुरू किया। अच्छा। नाम दिया मैंने, रजिस्टर किया। अच्छा। रजिस्टर किया 68 में। हाँ। कदम, अब कदम है तो कृष्णा है, वो तो ठाड़े कदम्ब की छैया, एक कदम के पेड़ के नीचे कृष्णा, और कथक जो है वो कृष्ण का डांस है। अच्छा। वो कृष्ण का डांस है, वो यूपी में यू नो यूपी का है, तो उससे जुड़ा कृष्ण के ठुमरी है। हाँ। गजल है ये सब, तो मैंने ये कदम बना दिया। और शुरुआत में मतलब आप ही सिखाते थे? मैं अकेली। अकेले आप? हाँ। फिर धीरे धीरे आपने धीरे धीरे जैसे स्टूडेंट्स बढ़ते गए। हाँ। तो थोड़े टीचर लाए, एक टीचर लाए, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अच्छा। ऐसे करके अब ये सब मेरे स्टूडेंट्स टीचर्स। और ऐसा हुआ कि जितनों को मैंने सिखाया ना शुरुआत में, और सब क्लास खोल के बैठ गए हैं। इसके में क्या 500 क्लास है इधर। वो आप ही की देन है। हाँ, वो ही है। लास्ट बैच चलता ही रहता है। हाँ, वो याद। हाँ,
दो तीन लोग तैयार हो जाते हैं, फिर उनको फिर सीनियर में ले लेते हैं, इस तरह से। क्योंकि मैंने भी आपके वीडियोस, आपका इंस्टाग्राम में पेज है कदम डांस सेंटर, तो उसमें भी मैंने काफी आपके वीडियोस भी देखे कि आपके स्टूडेंट्स ऐसे डांस कर रहे हैं, आप चेयर पे बैठे बैठे उनको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो मतलब आप अंदर से अभी भी आपको है कि करना है, भले करना तो है, करना तो है, अभी भी करना है, करने नहीं देते आजकल मुझे। ये आर्ट फॉर्म ऐसा ही है कि मतलब अभी भी मैं कर सकती हूँ। हाँ, अभी भी आप कर सकते हो, यानी क्लास ले सकती हूँ। अच्छा, घर में लेती हूँ उन लोगों का यहाँ पर। अच्छा, मुझे पता नहीं था आप अभी भी मतलब करते हैं। नहीं, मैं करती नहीं हूँ, बैठ बैठ के सिखा सकती हूँ। अच्छा, अभी आप बैठ बैठ के सिखा। और मैम, आपने किस किस के किन किन लोगों के साथ काम किया है आज तक अभी तक? मैंने एक तो बिरजू महाराज के साथ बहुत प्रोग्राम करे, ड्यूएट हम करते थे, ड्यूएट्स बहुत बाहर जाते थे और दूसरे दूसरे देशों में बहुत टूरिंग बहुत किया। फिर उमरा जान में रेखा को सिखाया। हाँ, वो तो पता है, है ना। फिर एक और फिल्म में वो इसको भूल गई, इसका नाम साउथ इंडियन एक्ट्रेस, उसको याद होगा, मैं विश्वनाथ जी के साथ काम किया, विश्वनाथ फिल्म डायरेक्टर विश्वनाथ, उनके साथ काम किया, वो बहुत बुलाते थे मुझे। मतलब फिल्मों में आपने मतलब कैसे स्टार्ट किया मतलब काम करना? ऐसा था कि ये मुजफ्फर अली ये उमरा जब बना रहा था, तो डांस के लिए उन्होंने गोपी किशन को रखा था, क्योंकि गोपी किशन करता था ना, वो डांसर कथक भी है, तो गोपी किशन ने एक गाना किया, एक गाना उसमें किया, तो जो फाइनेंसर थे ना उनके, तो उन्होंने कहा ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये पीरियड नहीं है, जो जो पीरियड था ना, समय जो स्टोरी का समय था, उसके साथ ये डांस नहीं जाता है। अच्छा। तो उन्होंने उसको कट कर दिया, नहीं लिया। फिर अब किस समय के लिए किस, तो मुजफ्फर के पिताजी और मेरे पिताजी दोस्त थे। अच्छा। तो मुजफ्फर मेरे पास आए, उनके वो डांस, मैंने कहा मैंने कभी फिल्म में नहीं किया भाई, मुझे इसमें मत फंसा। नहीं नहीं, आपको करना ही होगा, करना ही होगा, बहुत फोर्स कर करके मैंने कहा तुमको, मैंने सुना है कि वो डायरेक्टर को सब कुछ करना पड़ता है, लाइटिंग भी, ये भी, वो भी, मुझे सब कुछ नहीं आता। उन्होंने कहा नहीं, मैं करूँगा, आप चिंता मत करिए। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप करिए, तो मैंने किया और फिर हिट हो गई फिल्म, बहुत हिट हो गई, तो मुझे लगभग 50 ऑर्डर आए, 50 इनविटेशन। लेकिन मुझे फिल्म में करना नहीं अच्छा लगा, क्या है ऐसे करो बैठो 3 घंटे तो कैमरा इधर से उधर जाए। हाँ, उधर से उधर, फिर लंच टाइम और 1.5 घंटा के, आई रोज 2-3 मिनट का करते थे। अच्छा, बस रोज 2-3 मिनट का? या फिर आज अमेठी जाओ, आज इधर जाओ, आज उधर जाओ, क्योंकि वो फ्लो में नहीं चलता, फ्लो टूट जाता था। फ्लो जे ना, फ्लो टूट जाता था। फिर मैंने कहा ये तो मेरा काम नहीं है भाई। आपको जो पद्म भूषण मिला था उसके लिए आपका क्या, उसका एक्सपीरियंस आपका क्या रहा पद्म भूषण? पता नहीं, काफी काम किया कथक में, और वैसे घराने वाले तो करते हैं, लेकिन बिरजू महाराज उनका तो घराने है, लेकिन घराने के बाहर वाले जो लोग जैसे कि मैं, उसको अपना कर उसमें काम करना, और मैंने कथक को एक नई दिशा दी।
एक नई दिशा दी मैंने कथक को। इसलिए उन्होंने सोचा कि ये फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत अच्छी बात है, इसलिए उन्होंने मुझे। अब देखो, पहले कथक जो है तो उसका नाम निशाना नहीं था, और फिर बाद में जब हम लोग करते थे तब भी उसका कुछ ये यूनिवर्सिटी लेवल पर एक सब्जेक्ट नहीं माना जाता था। इट डिडंट हैव एनी क्रेडिबिलिटी कथक। और आज मुझे डीलिट दिया, डॉक्टरेट इन कथक। हाँ, मतलब वो आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और बाकी जो फ्यूचर के लोगों के लिए भी बहुत मिला कुछ। मैं सूर संगम को मैं बन जाया प्रदा। हाँ, सूर सिंगम जाया प्रदा। जाया सूर संगम। अच्छा, जाया प्रदा। मुझे नहीं अच्छा लगा वो। विश्वनाथ के बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। इतने स्ट्रिक्ट वो है ना, 6 बजे उठते थे और बैडमिंटन खेलने जाते थे। वापस आके नहा धो के पूजा करते थे। हम लोग सबको पूजा में जाने का, उनके प्रसाद वसाद लेने का, और फिर शूटिंग में। फिर शूटिंग हर रोज, ये हर रोज का। और रोज 8:30 बजे शूटिंग। फिर वहां पहले नाश्ता करने का, वो लोग उसको टिफिन कहते, टिफिन करने का। और फिर एक दिन पता है क्या हुआ, उन्होंने 8:30 बजे सबको बुलाया, तो जया प्रदा ने 10:30 बजे आई। ऐसे उसके साथ उसकी मेकअप मैन, उसके ड्राइवर, उसका ये ऐसे ऐसे। विश्वनाथ जी स्पीक, गेट रेडी। तो एक घंटा रेडी होने में लगे। उस दिन ऐसा था सीन कि लेक के पास बैठी है, लेक के पास, और कुछ गाना वाना का सीन था। तो फिर बहुत मेकअप और ये सब करके आई, तो विश्वनाथ जी ने कहा लेक के अंदर जाओ। और अंदर जाओ, इतना इतना उसको लेक के अंदर डाल दिया विद ऑल हर ड्रेसिंग। और सर क्या, हाँ तुम जाओ, मुझे ऐसा फिल्म करनी। वो जैसे अंदर गई तो हम सबको बोला पैकअप, उसको वहीं छोड़ दिया। इतने स्ट्रिक्ट विश्वनाथ जी, फैंटास्टिक डायरेक्टर, बहुत बड़े डायरेक्टर साउथ के। छोड़ दिया उसको वहां पानी में। और कुछ मैम ऐसे अच्छे आपके किस्से कुछ हो तो आप वो भी बताइए, हमें जानने के लिए बहुत अच्छा लगेगा। थे ना रेखा का जो लास्ट डांस था, ये कौन जगह है ऐसी, ये कौन सा दयार है, लास्ट वाला है ना, जैसे अपने घर के सामने ही आ जाती वो। तो पुराने उसके घर के सामने आ जाती वो डांस करने, तो कहती ये कौन सा दयार है। तो उसके लिए ड्रेस ऑर्डर किया था मुजफ्फर ने बम्बई से, एक भानु अथैया ड्रेस डिजाइनर थी जिनको गांधी फिल्म के लिए अवार्ड मिला था। तो ड्रेस आया, तो ड्रेस फिटिंग नहीं थी, बिल्कुल लटक रहा था उसके ऊपर। तो बोलती मैं तो नहीं पहनूंगी ये, तो मुझे कहा नहीं पहन सकते तुम ड्रेस, तो अभी कल तो शूटिंग है, अभी ड्रेस का क्या करेंगे। बोलने के एक टेलर बहुत अच्छा है यहाँ लखनऊ में, तो उसको मैं फोन करता हूँ, रातों रात 24 घंटे में ड्रेस बना देगा। ठीक है करिए। तो टेलर बोलता लेकिन नाप वाप के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। अब रेखा को मान ले, एट दैट टाइम शी वाज वेरी फेमस, रेखा का नाम तो 100 लोग आ जाते थे। तो अभी कैसे उसको ले जाए, भीड़ हो जाएगी सड़क पे। तो वो रिक्शा होती है ना 2 जन की साइकिल, पैडल रिक्शा। तो रेखा को वो पहनाया, बुर्का बुर्का पहनाया।
रूपरेखा टेलर के यहाँ गए, बोला अरे भाई दरवाजा पहले बंद करो तेरा। हाँ। फिर उसने नाप वाप लिया, फिर बुर्का पहन के फिर पेटल वैसे ही एक बार अमीनाबाद गए थे ज्वेलरी लेने, तो वो तो मैं जानती थी उनको, मैंने कहा भाई किसी को कहना नहीं हम आपकी दुकान में आ रहे हैं, लेकिन आप बोलना नहीं किसी को, भीड़ हो जाएगी, अमीनाबाद बिल्कुल बाजार है। नहीं नहीं मैं नहीं बोलूंगा, आ जाइए आप, दरवाजे वगैरह सब बंद कर दिया मैंने। तो गए हम, मैं और रेखा, तो कोई नहीं था दरवाजा, लेकिन उसकी पूरी फैमिली, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसका भाई, उसकी भाभी, उसकी पूरी फैमिली। मैंने कहा ये तो अपने घर के लोग हैं, ठीक है चलो। ऐसे ऐसे तो किस्से होते रहते हैं। कदम का कोई मैं यादगार किस्सा आपको कुछ बताना हो, शेयर करना हो? बहुत शेयर थे कदम के, तो बहुत यादगार किस्से होते हैं। हम लोग इंग्लैंड गए थे, टूर था हमारा, और पहला परफॉर्मेंस लेस्टर में था, लेस्टर एक जगह है वहां पर था प्लेयर्स थिएटर, तो म्यूजिक तो हम रिकॉर्ड में ले जाते थे ना, रिकॉर्डेड प्री रिकॉर्डेड, तो अतुल जी हमारे साथ थे, अतुल देसाई म्यूजिक हमारा करते थे, तो उनकी बैग थी ना उसमें उन्होंने सब रिकॉर्ड्स रखे थे, म्यूजिक रखा था। तो हम गए होटल में बुक किया, अपने अपने रूम में गए, तो उनका बैग उनके रूम में था, फिर हम लोग बाहर गए कि थिएटर देख के आते हैं, तो मैं और अतुल जी और दो तीन डांसर्स थिएटर देखने गए, वापस जब आए उनका बैग ही नहीं था, सब म्यूजिक उस बैग में, पुलिस कंप्लेंट की, सब कुछ किया, नहीं मिला, नहीं मिला ही नहीं, उनका सब कुछ गया, उनका कैमरा गया, म्यूजिक सब कुछ, लकीली पासपोर्ट रहा उनके पास, फिर क्या करें अभी, नेक्स्ट डे तो प्रोग्राम है। पूरी रात बैठकर सिर्फ ताल में एक ताल देके पूरा म्यूजिक बनाया 2 घंटे का, किसने अतुल जी, हम लोग सब ताल दे रहे थे, प्रशांत वैभवी और इस सब, तो एक जो पहला जो एक सीन था जिसमें 16 बीट थे, 16 ऐसे 16 बीट का मूवमेंट था, तो वो रिपीट हो गया तो 64 बीट हो गए, तो सब लोग डांसर अपने इधर उधर देख रहे हैं क्या कर रहे हो क्या, तो चालू रखो भाई चालू, ऐसे ऐसे देख रहे बेचारे। और दिल्ली में एक दिन ऐसा हुआ म्यूजिक जंप कर गया, बंद हो गया म्यूजिक, बंद हो गया और डांस चालू है, तो प्रशांत जो है वो पीछे से बोलता रहा, ताल देता रहा, बोलता रहा, वो बोल बोलता रहा, और सब लोगों ने किया, परफॉर्मेंस रुकने नहीं दिया, कंटिन्यू किया हम लोगों ने, हां पूरा हुआ। तो दूसरे दिन मुझे किसी ने कहा कुमेन आप तो कमाल करती है, आप तो विदाउट म्यूजिक भी उन बच्चों को डांस करवाती है। ऐसे वैसे तो किसे म्यूजिक 2 बार ऐसे हुआ म्यूजिक का, है ना, शो मस्ट गो ऑन। हाँ कभी 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 हम पहुंचते तो हमारे बैग ही नहीं आती है, कॉस्ट्यूम पूरी नहीं समझ आती, ऐसा भी हो जाता है, बहुत तकलीफ होती है, अभी नहीं इतना होता है लेकिन पहले पहले बहुत होता था ऐसे। तो थैंक यू सो मच मैम आपका इतना कीमती समय देने के लिए। अरे अच्छा लगा आपके साथ मुलाकात हो गई, कभी ड्रामा करेंगे तो बुलाइए। अरे मैम श्योर पक्का आपको जरूर बुलाएंगे। और लास्ट अभी मैम आप जो आज के जो उभरते हुए नृत्यकार है उसको, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अब किसी को संदेश तो नहीं देना चाहिए, उनको अपने दिल से करना चाहिए जो कुछ भी है। हाँ अब मैं आपको बोलूं तुम डांस करो, नहीं करेंगे ना, आपको जो चाहिए वो ही करेंगे ना, है ना,
तो अगर उनको रुचि है उसमें नृत्य में तो वो जरूर करेंगे, और उसके लिए थोड़ा वांछन होना चाहिए, कुछ भी आप चीज के उसके लिए अपने जो वेद वगैरह है उसमें थोड़ा वांछन होना चाहिए, तो पता चलता है कि इसकी गहराई कहाँ पर है। किसी भी चीज की, ड्रामा हो, नृत्य हो, म्यूजिक, इसकी गहराई कहाँ, हिस्ट्री, हाँ, तो उसको जरा समझना चाहिए, तो फिर आप सिखा सकते हैं। नहीं तो क्या सिखाएंगे आप, सिर्फ हाथ पैर हिलाना डांस नहीं होता है। हाँ। सिर्फ हाथ पैर हिलाना डांस, डांस तो अपने अंदर से होता है ना।